हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में आपके जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं वो आप कैसे यूज़ करते हो उसमें। ठीक है, ऑपरेटर्स को देख लेते हैं विजुअल बेसिक में कैसे क्या करते हैं। ठीक है गाइस, देखो विजुअल बेसिक ऑपरेटर्स। ठीक है, आप सभी जानते हो सिंपलेस्ट ऑपरेटर्स जो हैं क्या क्या होते हैं, क्या उनको ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है हमारे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन देयर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। क्या होता है इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, आप सभी जानते हो। देखो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं और ये हमारे ऑपरेशंस हैं। ऑपरेटर की जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑपरेशंस दे रखा है। ये आपके ऑपरेटर्स हैं, ये आपके उन ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि ये ऑपरेटर है, ये किसका, इसका ऑपरेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल। ये ऑपरेटर है, इसका क्या है, आप सभी जानते हो इन सब चीज़ों को। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न, इसका क्या है, इंटीजर डिवीज़न है आपका। ट्रंकेट, मॉड का यानी कि मॉड्यूलस, है ना, मॉड्यूलस। ये आपके, ये इस ऑपरेटर का, ये हम सब जानते हैं क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। पैरेंथेसिस क्या है भाई, पैरेंथेसिस अराउंड एक्सप्रेशंस कैन चेंज प्रेसिडेंस, क्या कर सकती है भाई, ये प्रेसिडेंस को चेंज कर सकती है। ठीक है, और टू कैनकेटिनेशंस, कैनकेटिनेशन में क्या होता है, आप सभी जानते हो कैनकेटिनेशन में क्या होता है, टू स्ट्रिंग्स का कैनकेटिनेशन कराना है। ठीक है, तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, यूज़ द सिंबल, कौन सा, ये एम्परसेंट का सिंबल और द प्लस सिंबल, क्या यूज़ कर सकते हैं कैनकेटिनेशन में, या तो क्या, या तो आप ये एम्परसेंट का ले सकते हो और एक प्लस का ले सकते हो। देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये लेवल डॉट कैप्शन है ना, इक्वल्स टू करंट टाइम इज, और ये एम्परसेंट लगा दिया फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपका कैनकेटिनेट होके इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैंने एम परसेंट का यूज़ किया है, यहाँ पे मैं और दूसरा आपको बताया यहाँ पे प्लस का यूज़ करके, ऐसे हम कंकैटिनेट करते हैं। ठीक है, टू स्ट्रिंग्स को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंपैरिजन है ऑपरेटर्स के बीच, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, सिक्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं विजुअल बेसिक में, आप सभी जानते हो। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने पहले पढ़ रखे हैं सारे, सी में हमने पढ़े हैं ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और ये नॉट इक्वल्स टू, है ना। इनका जो रिजल्ट रहता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का वो कैसा होता है, वो होता है बूलियन, बूलियन वैल्यू, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है गाइस, देखो वी विल यूज थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर ऑपरेशंस नॉट लॉजिकल नॉट, है ना, एंड देखो कौन कौन सी होती हैं ऑपरेशंस, ये अपन ने सबने पढ़ी हैं। देखो कौन कौन सी होती है ऑपरेशन, एक तो नॉट लॉजिकल, नॉट एंड, एंड लॉजिकल और लॉजिकल। ठीक है, क्या क्या होती है, एंड और नॉट। ठीक है, हमें सीध सबको पता है कौन सी होती है, एक ये होती है नॉट होती है, एंड होती है और होती है, ये तीनों अपन ने पढ़े हैं, एंड नॉट और। नॉट ऑपरेटर क्या है, सिंपली किसको बताता है, निगेट्स करता है भाई, निगेशन, निगेट्स एन ऑपरेंड। एंड ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न करता है अगर दोनों वैल्यू क्या हो, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर में क्या होता है, या तो ट्रू हो, आइदर रिटर्न अ ट्रू इफ आइदर ऑफ इट्स ऑपरेंड इज ट्रू, एल्स इट इज रिटर्न फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या फॉलो करता है भाई, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को फॉलो करता है इन प्रेसिडेंस में, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और आपने सबने पढ़े हैं डबल एंड करके, ये सब अपन ने पढ़ रखे हैं गाइस, है ना। देखो अब यहाँ देख लेते हैं विजुअल बेसिक के फंक्शंस, विजुअल बेसिक में यहाँ फंक्शंस क्या है देख लीजिए। यहाँ विजुअल बेसिक ऑफर्स अ रिच असॉर्टमेंट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, द ऑनलाइन ऑनलाइन हेल्प यूटिलिटी विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन ऑन एनी और ऑल ऑफ दीज फंक्शंस एंड देयर यूज़। ऑनलाइन हेल्प यूटिलिटी यहाँ पे है भाई, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगी, ठीक है, कि आप इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, सम एग्जांपल्स जैसे कि हैं यहाँ पे, जैसे कि ABS है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये सब आप देख लेना। ठीक है, ये सारे क्या मैंने यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और कर दिए हैं सारे, और क्या दे दिए, उनमें जो वैल्यू रिटर्न होंगी इनके द्वारा वो आपको दे दी है। ठीक है गाइस, ABS है, ASC है, कैर है, कॉज है, डेट है, फॉर्मेट है, लेफ्ट, लैंड, मिड, नाउ, राइट, है ना, IND, सिन, स्क्वायर, ये सारे फंक्शंस आपको दे रखे हैं और वैल्यू जो इनसे रिटर्न होती है वो दे रखे हैं गाइस, एक बार ही देख लेना सबको। ठीक है,
यहाँ पे ये R&D फंक्शन है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसकी पर्टिकुलर मैं एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि R&D फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है आपकी एप्लीकेशन विंडो पे। ठीक है गाइस, यहाँ पे अब मैंने बता दिया है, यहाँ पे मैंने सब लिया है कि फॉर्म ऑब्जेक्ट में उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके मेथड्स, उसके इवेंट्स सब कुछ बताया है। यहाँ पे आप देख लीजिए फॉर्म क्या होता है। फॉर्म हम सब जानते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना इंटरफेस ड्रॉन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को बनाते हैं, यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं फॉर्म को, एप्लीकेशन को वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। तो इट इज़ द सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है गाइस, देखो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, फॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी अपीयरेंस, है ना, उसकी अपीयरेंस सिलेक्ट करो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके, कैसी रखनी है, 3D में रखनी है या फ्लैट अपीयरेंस रखनी है, उसका बैक कलर क्या रखना है, बॉर्डर स्टाइल कैसी रखनी है, कैप्शन क्या सेट करना है आपको, जो टाइटल देना है विंडो का, वो कैप्शन का मतलब जो टाइटल देना है वो इनेबल करोगे तो वो रेस्पॉन्ड देगा, है ना, माउस और कीबोर्ड, अगर फॉल्स कर दोगे तो डिसेबल हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, फॉन्ट साइज आपको जो रखना है, 4 कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर, पिक्चर जो भी आप देना चाहो तो वो पिक्चर आप अपने फॉर्म पे लगा सकते हो, लेकिन पिक्चर किस में होनी चाहिए, बिट मैप में। ओके, विजिबल यानी कि अगर अगर फॉल्स होगी, विजिबल इसकी विजिबिलिटी जो है प्रॉपर्टी में फॉल्स होगी तो फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ये आपकी फॉर्म की प्रॉपर्टीज हो गई। ये फॉर्म के देखो इवेंट्स हैं, कुछ एक्टिवेट फॉर्म इवेंट्स हैं, ठीक है, क्लिक फॉर्म इवेंट्स है, डबल क्लिक फॉर्म इवेंट्स है, लोड फॉर्म, ये लोड फॉर्म इवेंट है। एक्टिवेट इवेंट में कब कब ट्रिगर होगा, जब विंडो एक्टिव होगी, है ना। क्लिक फॉर्म इवेंट कब ट्रिगर होगा, जब आप यूज़र क्लिक करता है उस फॉर्म पे, तो वो क्लिक फॉर्म इवेंट होगा। डबल क्लिक करना यानी कि डबल क्लिक करोगे करेगा यूज़र फॉर्म पर, तब लोड फॉर्म यानी कि जब फॉर्म लोड होगा, ठीक है, फॉर्म का लोड अगर होगा तब, ये आपके फॉर्म के इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपके फॉर्म के मेथड्स। फॉर्म के मेथड्स क्या क्या है, यहाँ पे देखो मैंने 2 मेथड्स बताए, एक बताया है आपका CLS यानी कि क्लियर, क्या ये क्या करेगा, ये मेथड क्लियर कर देगा सारी ग्राफिक को, टेक्स्ट को, कहाँ से, फॉर्म से, बट क्या क्लियर नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, प्रिंट है एक, ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग का टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर देगा फॉर्म पर। ठीक है, ये प्रिंट का ये मेथड है। ठीक है, ये जैसे कि एग्जाम्पल है, देखो फॉर्म एग्जाम्पल डॉट CLS, तो ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा फॉर्म को। डॉट FRM एग्जाम्पल डॉट प्रिंट, तो ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा फॉर्म पर। ठीक है, ये है आपके मेथड्स फॉर्म के। नेक्स्ट है आपके कमांड बटन। आप सभी जानते हो कमांड बटन क्या होता है, जो भी अपन कमांड देना चाहते हैं, है ना, इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज कंट्रोल। आपको इसको बहुत अच्छे से आपने यूज़ भी किया है, आप सब इससे इसके बारे में अच्छे से जानते हो। ठीक है, क्या होता है इसमें, इंटरप्ट करना या फिर एंड करना पर्टिकुलर प्रोसेस का, है ना, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको मैंने ये यूज़ करना बताया भी है, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब यूज़ करना मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, आप देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियोज़ को। ठीक है, कमांड बटन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं भाई, देखो कमांड बटन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस कैसी रखनी है, और क्या हो सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, इसके कैंसिल अलाउ कर सकते हो, किसके साथ, एस की के साथ, ठीक है, कैंसिल करना है आपको, ये सिलेक्शन करके, सिलेक्शन ऑफ बटन विद एस्क की, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल प्रॉपर्टी है आपकी। नेक्स्ट आपकी कैप्शन यानी कि आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो उस बटन पे, जो भी स्ट्रिंग को आप डिस्प्ले कराना चाहते हो ना बटन पे, उसके कैप्शन पे सेट कर दो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अलाउ क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ बटन को डिफ़ॉल्ट अलाउ क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ बटन विद एंटर की। ठीक है, आप कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ बटन विद एंटर की। ठीक है, फॉन्ट जो भी आप सेट करना चाहते हो उसका, टाइप, स्टाइल, साइज, ठीक है, ये सब आ जाता है आपका कमांड बटन में, प्रॉपर्टीज हैं ये कमांड बटन की। अब कमांड बटन के इवेंट क्या ट्रिगर होते हैं, क्लिक इवेंट आपका यहाँ पे ट्रिगर होता है जब भी बटन सिलेक्ट किया जाता है, आइदर बाय क्लिकिंग ऑन इट और बाय प्रेसिंग द एक्सिस की। ठीक है गाइस, ये होते हैं आपके कमांड बटन के इवेंट्स। नेक्स्ट है आपकी लेबल बॉक्स। ये देखो आपने देखा होगा वहाँ पे लेबल्स में, जब आप टूल विंडो में देखते हो तो आपकी कुछ ऐसा आपको दिखता है ना, ये आपका, ये इसको कहते हैं लेबल बॉक्स। लेबल बॉक्स में क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, यूज़ करते हो इसको, कैसे आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है जैसे कि फॉर्म पर, है ना, तो तब आप इसको यूज़ करते हो, तो आपका जो यूज़र है इसको डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। ये आप क्या देखोगे, हमने ये अपने देखा देखा था जब हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे थे ना, आपने देखा हो तो वहाँ पे मैंने यूज़ करके बताया है इस लेबल का कि कैसे आप इस लेबल को यूज़ कर सकते हो, तो आप वो वीडियोज़ को ज़रूर देखना। ठीक है, लेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अलाइन करना है कैप्शन को विद इन बॉर्डर,
ठीक है, अपीयरेंस देख ले, अपीयरेंस कैसी रखनी है वो। ऑटो साइज अगर ट्रू होगा तो लेबल को क्या कर पाओगे, रिसाइज और फिट कर पाओगे टेक्स्ट को स्पेसिफाइड बाय द कैप्शन प्रॉपर्टी। और अगर फॉल्स होगा तो लेबल क्या रहेगी, वो लेबल क्या रहेगी, साइज डिफाइन होगा डिजाइन टाइम पे और टेक्स्ट में भी क्लिप, टेक्स्ट क्या हो जाएगा उतना ही कोई उतने कोई क्लिप करेगा जितना उसमें शो हो रहा होगा, ठीक है उतने कोई। देखो फिर है नेक्स्ट आपका बॉर्डर स्टाइल, यानी कि ये डिटरमाइन क्या करता है टाइप ऑफ बॉर्डर, किस टाइप का बॉर्डर आपको लेना है, कैप्शन स्ट्रिंग जो भी आप उसमें डिस्प्ले कराना चाहते हो बॉक्स में, फॉन्ट साइज जो भी आप सेट करना चाहते हो उसका स्टाइल टाइप और साइज, केस ये आपकी होगी प्रॉपर्टीज किसकी, लेबल बॉक्स की, ठीक है। वर्ड रैप, देखो वर्ड रैप क्या होता है हम सब जानते हैं, कंजक्शन विद ऑटो साइज प्रॉपर्टी, इफ ऑटो साइज प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रू होगी तो वर्ड रैप इक्वल्स टू ट्रू, तो देन टेक्स्ट विल रैप, देन आप क्या कर पाओगे टेक्स्ट को रैप कर पाओगे, है ना अप डाउन, है ना। एंड लेबल विल एक्सपेंड वर्टिकली टू फिट द कैप्शन, लेबल कैसे फिट हो जाएगी आपकी वर्टिकली, वर्टिकली आपकी आ जाएगी तो कैप्शन वहाँ पे फिट हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ड रैप हो सकता है अगर वर्ड रैप की आपने क्या दे रखी हो इक्वल्स टू ट्रू कर रखा हो तो, ठीक है नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नहीं होगा, देन यू विल देन टेक्स्ट विल नॉट रैप रिगार्डलेस ऑफ वर्ड रैप वैल्यू, अगर फॉल्स होगा आउट ऑफ साइज तो क्या हो जाएगा टेक्स्ट रैप नहीं होगा आपका। यहाँ पे देखो लेबल्स के इवेंट्स दे रखे हैं, लेबल के क्या इवेंट होते हैं भाई, लेबल के एक होता है क्लिक इवेंट और एक होता है क्या डबल क्लिक इवेंट, ठीक है। क्लिक इवेंट जब आप सिंगल एक बार क्लिक कर रहे हो है ना लेबल पर तब, और डबल क्लिक यानी कि डबल क्लिक किया तब, तो ये आपके इवेंट्स हो गए लेबल के। देन अपन बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की, तो टेक्स्ट बॉक्स हमारे किस लिए काम आता है, किस लिए काम आता है, यहाँ पे हम क्या एंटर करवाते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एंटर करवाते हैं डिजाइन टाइम पे, ठीक है यूज़र से, और क्या करवाते हैं रन टाइम पे, ठीक है असाइन करते हैं विद इन द कोड, और यहाँ पे जो टेक्स्ट वो डिस्प्ले होता है और उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को करते ही से हम लेते हैं इनपुट, जब भी हम देखा था हम जब एडिशन करवाते हम टेक्स्ट बॉक्स इसमें ले रहे थे ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं अपन वैल्यूज़ को, ठीक है ऐसा हम लेबल में नहीं कर सकते ना एडिट, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं। देखो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसकी अपीयरेंस, बॉर्डर स्टाइल, फॉन्ट, मैक्सिमम लेंथ क्या रखनी है, मल्टी लाइन करना है यानी कि आपको सिंगल लाइन में चलाना है या फिर मल्टीपल लाइन में चलाना है ना टेक्स्ट को, वो पासवर्ड केयर, पासवर्ड केयर हम समझ रहे होंगे हमको क्या करना है टेक्स्ट को हाइड करके रखना है, ठीक है तो वहाँ पे पास केयर को हाइड करके रखने के लिए यहाँ पे पास केयर की प्रॉपर्टी होती है। स्क्रॉल बार है ना, आपकी सेल लेंथ है, सेल स्टार्ट है, सेल टेक्स्ट है, टैग है, टेक्स्ट है, ठीक है ये सारी आपके आ जाती हैं किसमें टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में। देखो टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के आपके इवेंट्स होते हैं चेंज इवेंट, लॉस्ट फोकस, की प्रेस, ये तीन इवेंट आपके होते हैं किसके टेक्स्ट बॉक्सेस के। ये इवेंट्स को हम खुद से प्रैक्टिकल करके देखेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसमें देखना टेक्स्ट बॉक्सेस के इवेंट कैसे होते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बॉक्स के मेथड्स, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का मेथड है सेट फोकस, यहाँ पे हम क्या कर देंगे कर्सर को स्पेसिफाइड टेक्स्ट बॉक्स पर प्लेस कर देंगे, ठीक है उसको इसको कैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे txt एग्जांपल और सेट फोकस ऐसे इसको मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है भाई ये हो जाता है हमारे टेक्स्ट बॉक्स के मेथड, ठीक है आज की वीडियो में गाइस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।